हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बुक है उसके ऊपर। आपके स्क्रीन पे जो है ये बुक दिख रही होगी। तो एक बच्चों का जो है एक जनरल इशू रहता है कि करंट अफेयर्स तो है, करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स तो देखो कोई उसका लिमिट नहीं है करंट अफेयर्स का, उसमें करंट अफेयर्स आपके ढेर सारे कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ते हैं और उसमें फिर कहीं ना कहीं उनके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो फाइंड आउट कर पाना, वो डिसाइड कर पाना उनके लिए थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। और करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स एरिया का कोई ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, काफ़ी वास्ट एरिया है। तो वहाँ पे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़े जो कि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट हो और एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट, और एग्ज़ाम से में वही सारे क्वेश्चंस जो है उसी के आसपास के सारे क्वेश्चंस जो है, मतलब उससे जो इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है उसी से क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में बच्चों को मिल जाए और उनके लिए जो है एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करना, उनको अटैम्प्ट करना उनके लिए जो है ईजी हो जाए। तो ये वाला इशू जो है एक जनरल इशू है जो बच्चे फेस करते हैं एग्ज़ाम में। हमारे पास अभी बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हुए, तो बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हुए मीन्स के उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए, तो उसमें मोस्टली बच्चों का जो है फिर जो जिन्होंने अटैम्प्ट किया, काफ़ी सारे बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे अटैम्प्ट करने के बाद आए और उन्होंने बोला कि सर करंट अफेयर्स तो हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने अटैम्प्ट भी किए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम नहीं अटैम्प्ट सही से नहीं कर पाए। और हमारा जो मोस्ट मतलब हमें जो दिक्कत आई कि हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक होते हैं वो हमने डिसाइड हमें कहीं से मिल ही नहीं पाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, ये पढ़ लो और इनके ये पढ़ने के बाद जो है आपके उसी एरिया बाउंडेशन के आसपास जो है हम आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी आने वाले और भी एग्ज़ाम जो होंगे उसमें करो, ऐसा नहीं करंट अफेयर्स एक दो महीने पढ़ लोगे तो वो सारे करंट अफेयर्स आपके सारे कवर हो जाएंगे और वही एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अब तो ऐसा भी है कि छः छः महीने, सात सात महीने, आठ आठ महीने पहले जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। मैं सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SSC एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स, रेलवेज, टीचिंग या फिर स्टेट में जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका MP का एग्ज़ाम हो लो, UP का एग्ज़ाम्स हो लो, राजस्थान के एग्ज़ाम्स हो लो, बिहार के एग्ज़ाम्स हो लो, तो जितने सारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं सारे स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये बुक जो है 1000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs बुक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें करंट अफेयर्स कब से कब तक है, तो ये है 2022 जनवरी से 2022 से लेके अभी तक टोटल डेट, ये सारे जो है हमने करंट अफेयर्स जो इसमें कवर किए। और ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा नहीं कि इतने लंबे समय से 1000 ही क्वेश्चन बन सकते थे, क्वेश्चन बनने को ढेर सारे बन सकते थे, लेकिन हमने इसको फिल्टर किया है, टीम ने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, बैठ के इसको देखा है कि हाँ भाई 2 जनवरी 2022 के बाद भी किन किन एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो सभी को फिल्टर करके जो है हमने आपके लिए जो आने वाले टाइम में जो यूज़फुल हो सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक जगह डाला है, इसको एक जगह करके और सभी बच्चों के लिए जो है हम इसको लेके आ रहे हैं, 24/7 आपके लिए लेके आ रही है। और इसमें जो है चाहे आप बैंकिंग एंड फिनांस बोलो, पर्सन इन न्यूज़ बोलो, ये सारे कैटेगरी जो हमने कवर किया है, नेशनल अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स एंड स्कीम्स है, डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो ये सारे जो है हमने कैटेगरीज जो है यहाँ पे कवर किए हैं और ये यूज़फुल हैं सारे बैंकिंग, SSC, डिफेंस, रेलवेज और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आपके आने वाले अभी 2022 दिसंबर में, अभी दिसंबर चल रहा है और जो आगे आने वाले 2023 में जितने सारे 2023 में जितने सारे एग्ज़ाम्स होने वाले सब के लिए ये वाली बुक जो है बहुत यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। आप एक बार इसके अंदर के कंटेंट्स को देखते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं आगे इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। तो द करंट अफेयर्स बुक 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs फॉर 2022-2023, ठीक है। अब इसमें जो है कंटेंट हमने कवर किया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, डिफेंस, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फिनांस, एनवायरनमेंट, SNT, इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, स्पोर्ट्स, पर्सन एंड प्लेस एंड न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो ये सारे सब कुछ हैं और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि ये देखो ये क्वेश्चन तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएगा, चलो इसका क्या आंसर है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस देने के बाद हमने क्या किया है लास्ट में, यहाँ पे देखो आपके सामने ये है आंसर की, ठीक है। यहाँ आंसर की देने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मानो मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर कोई इस क्वेश्चंस इस जो है 129 129 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के अंदर
कोई एक ऐसा क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आपका आ गया लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है ना, अगर आप इस सॉल्यूशन को पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चंस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसे ही दिए गए हैं ताकि आपके वो वाले पार्ट भी कवर हो जाएंगे जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने पूरा डिटेल में जो है सॉल्यूशन भी दिया गया, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जो स्टैटिक पार्ट भी हो सकता था, तो स्टैटिक पार्ट भी हमने दिया है, ठीक है। तो आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी इसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक वाला पार्ट होगा वो वाला भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन है यहाँ पे। उसके बाद इसी तरीके से जो है हमने हर कैटेगरी में क्वेश्चंस दिए हैं और सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो डिटेल्ड है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हमने तैयार किया है। तो टीम ने इस पर पूरी टीम ने काफ़ी रिसर्च की है इस पर और बैठ के इसको अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम दे के आपके लिए तैयार किया गया है। और कंटेंट काफ़ी सारा है यार, कंटेंट मतलब बहुत है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है आपके लिए और आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये बुक जो है आपके अड्डा 24/7 ऐप पे स्टोर पे जो है अवेलेबल हो चुकी है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, इट इज़ यूज़फुल फॉर बैंकिंग, SSC, डिफेंस, टीचिंग एंड ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। वहाँ पे जो कोई सा भी हो, MP हो, बिहार हो, इवन कि UP, महाराष्ट्र ले लो, तो सभी, क्योंकि करंट अफेयर्स तो देखो सभी जगह पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स जो है कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल है। और एक जगह जो है 1000+ MCQ है, डिटेल सॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अच्छे क्वेश्चंस को हमने कैटर किए हुए, क्वेश्चंस तो ढेर सारे हो सकते थे लेकिन हमने बहुत अच्छे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने जो है कैटर किए। और मैं आपको ये तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यूज़फुल मिलने वाला है। आप इसको ऐसा भी है ना कि आप एग्ज़ाम से पहले या थोड़ा सा इसको बैठ के 10 दिन पहले रिवाइज भी अभी पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक बार और पढ़ लिया, एग्ज़ाम के टाइम के बैठ के उसको रिवाइज कर लिया, तो ऐसा है कि आपके एग्ज़ाम में जो आपको ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़े हुए हैं। अगर आपको 3 महीने 4 महीने पहले कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से ईजिली जो है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो है बुक बनाई है, बहुत अच्छी बुक बनी है और टोटल जो है हमने यहाँ पे इसको 218 पेज में, तो 2220 पेज के आसपास हमने इसको कवर किया है और डिटेल सॉल्यूशन हमने दिया है और 1000+ MCQs जो है हमने यहाँ पे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है बुक आपको कहाँ से परचेज़ करनी है, तो आपको जो है आपके अड्डा स्टोर पे और जो है अड्डा 24/7 के ऐप पे अवेलेबल है। आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जो है आपको मिल जाएगा, आपको इसको जाके अभी परचेज़ करना है और आपको जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और हाँ, ये भी है कि आप अगर किसी भी इंडिया के किसी भी जगह पे रह रहे हो तो वहाँ नियरेस्ट बुक स्टॉल पे भी ये जो है हमने अवेलेबल करवा दिया, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, चाहे आप बिहार में रह रहे हो या फिर चाहे यूपी में रह रहे हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं पर भी रह रहे हो तो आप किसी भी जगह से ये बुक को अवेलेबल जो है वहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो और अड्डा 24/7 के ऐप और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको लीजिए और सारे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।